देखिए जरा, हमारा जो टॉपिक है आज का है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। समझ लीजिएगा, पहले मैं एक एक चीज ये पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। आवर टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे समझिएगा बेटा, सपोज लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आप ऐसे मान के चलिएगा ये किसी प्लेन में है दो वेक्टर। सपोज दिस इज द प्लेन ऑन विच आई हैव ड्रॉन इट। ओके, नाउ देयर इज अनदर वेक्टर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। एन कैप वेक्टर, अब इसके बारे में बताएंगे ये क्या है सर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो तब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नाउ प्लेन क्रॉस बी स्टिल्स इन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये लिखा रहता है, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वैक्टर ए एंड बी एंड ऑल्सो द प्लेन कंटेनिंग वैक्टर ए एंड वैक्टर बी। ओके, ओके, यहां ध्यान से समझिएगा ये। अब ये चीज समझने वाली है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक राइट हैंड थंब रूल लगता है, समझ लीजिएगा प्लीज बेटा, ये समझने वाली बात है। सपोज आप अपनी फिंगर्स वेक्टर ए के रो रख रहे हैं और उनको कर्ल कर रहे हैं, रोटेट इट, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन आएगी वो एन कैप की डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो एन कैप है ये क्या है, बेसिकली इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबके परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग इट? आप ऐसे समझ लो, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। इस एन कैप का मतलब क्या है, अगर आपने देखा हो ये आपका रोड है, यहां मेट्रो का पिलर बना हुआ है लाइक दिस। तो ये मेट्रो का पिलर जो बना हुआ है, दिस इज मेट्रो पिलर, यहां सारा ट्रैफिक जा रहा है। अगर आप इस प्लेन पे देखेंगे तो इस प्लेन पे कितने भी वेक्टर ले लीजिए उन सबके परपेंडिकुलर आएगा ये बेटे। प्लीज टेल मी, चाहे कोई भी वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए लाइक दिस, बट ये पिलर तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज नथिंग बट योर एन कैप। ये बात क्लियर हुई भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। Yes, तो ये एन कैप को आपको समझना होगा कि इट इज परपेंडिकुलर है ए और बी के साथ साथ इस पूरे प्लेन में जितने वेक्टर सबके। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं सारा एक बार समझा रहा हूं और आराम से समझना। और एन कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ये समझने वाला है भाई, बहुत ध्यान से समझना, पूरा 3D में इसी का यूज है। ऑब्जर्वेशन क्या है,
जो मैंने यहाँ से ए क्रॉस बी निकाला बेटे, ये इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड दे लो, अप्लाई मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझना बेटा। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी जो मैंने ब्लू कलर से शेड करी है, ये क्या एक स्केलर है? प्लीज टेल मी, इट इज़ अ स्केलर। और आपका यहाँ पर जो थीटा है वो जीरो और पाई के बीच में होगा, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। दिस होल क्वांटिटी इज अ स्केलर। तो अगर इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख दूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन कैप, वेयर लैम्डा इज, वेयर लैम्डा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। आराम से समझ लेना प्लीज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास किसके बराबर आया भाई? लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप वो कितना है भाई? वन, तो लैम्डा आ गया। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप ऐसे समझिए, आपका जो ए क्रॉस बी आया, क्या वो ऐसे नहीं आया क्या? लैम्डा टाइम्स ऑफ एन कैप, वेयर लैम्डा इज दिस। तो अब एक बात बताइए, तो ए क्रॉस बी किसके पैरल हो गया? लैम्डा पॉजिटिव है, प्लीज टेल मी। सो यू कैन से दैट ए क्रॉस बी इज पैरल टू एन कैप। तो दिस विल इंप्लाई ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड ऑल्सो द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। Also to the plane. अब यहां पर देखिए, यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी ड्रॉ करूंगा तो एन कैप के पैरल करूंगा। अच्छा एक बात, जो मैंने यहां मेट्रो का पिलर बनाया है, यहां पर देखिए, इसके पैरल जितने भी पिलर बनेंगे वो सारे परपेंडिकुलर ही तो होंगे। तो बेसिकली ये अगर आपका एन कैप था, तो ये जो दूसरा पिलर है, ये क्या है? ए क्रॉस बी है। आर यू गेटिंग इट? तो यू कैन से दैट अगर इसी फिगर में मैं ये बनाऊं यहां पर, तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब भी आप निकालते हैं तो ज्योमेट्रिकली आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, यस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा इसका मैं कंपोनेंट वाइज कैसे क्रॉस निकालते हैं वो सारा डिटेल आपको देने वाला हूं। डन, हो गया बेटा? देखिएगा। यस सर। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ये कैसे निकलेगा इसको जरा ध्यान से समझना भाई। अब आप जानते हैं अच्छे से कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, थ्री डायमेंशन प्लेन, और ये ओरिजिन है, और इन एक्सिस के अलोंग आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप। अगर मैं इसी को नीचे एक्सटेंड करूं, ये क्या आएगा ध्यान से देखना, माइनस के कैप। इसी एक्सिस को आगे एक्सटेंड करूं लाइक दिस, ये आएगा माइनस आई कैप, और इसी एक्सिस को यहां एक्सटेंड करूं, ये आएगा माइनस जे कैप। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर।
प्लीज रिप्लाई. अब डेफिनेशन लगा, डेफिनेशन लगाता हूँ, ध्यान से समझ लेना प्लीज. मैंने निकाला आई क्रॉस जे, तो डेफिनेशन से क्या लिखूंगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, साइन 90. अब आपको यहां एक एन कैप और लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन थी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप. तो एन कैप कौन सा वेक्टर आएगा भाई, ऐसा वेक्टर जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो. तो कौन सा वेक्टर है भाई, के वेक्टर है, प्लीज टेल मी, के कैप, इज दैट ओके. तो आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 1 होता, तो आपके पास आएगा आई क्रॉस जे आएगा के बराबर, ध्यान, ठीक है. अब इसी को अगर मैं उल्टा घुमाऊं, जरा ध्यान से देख लेना प्लीज. और यहां जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं, मैं यहां पर एक चीज और लिखना भूल गया हूं, मैं आगे नोट में लिख रहा हूं, ये बेसिकली जो एन कैप होता है ये आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी आउटवर्ड परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल से एन कैप इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर या नॉर्मल. नॉर्मल का जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब है परपेंडिकुलर. तो यहां अब बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं यार तुम जे क्रॉस आई निकालो, तो आप लिखोगे जे कैप आई कैप, और एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन अब इस पे आउटवर्ड नॉर्मल क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, यानी जे क्रॉस आई आपके पास आएगा माइनस के कैप. सिमिलरली अभी मैं एक डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, आपको फिर सारी बातें समझ में आ जाएगी. अगर आप जे क्रॉस के निकालोगे तो जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल 90, जे और के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप, यानी कि जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप आएगा. अभी इसकी लर्निंग टेक्निक भी बताऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें बता रहा हूं. इफ यू आर फाइंडिंग के क्रॉस आई कैप, तो के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और के और आई के दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर है जे कैप, ये आ गया आपका जे कैप. अगर अब आप यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, इफ यू आर फाइंडिंग आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, आप डेफिनेशन लगा लीजिए, लेकिन एंगल साइन जीरो आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एन कैप, ये जीरो आएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो है, तो साइन जीरो, ये भी जीरो आ गया. के का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन जीरो, एन कैप जीरो. अब इन सारी बातों को मैं एक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बातें समझ में आई आपको, पहले तो मुझे ये बताइए प्लीज टेल मी, क्लियर है सबको, इसकी लर्निंग टेक्निक बता रहा हूं कैसे याद रखे जाएगा इसको सारे को. हाँ जी प्लीज रिप्लाई करिए, इज इट क्लियर, क्लियर है, ओके. अब आराम से समझना इसको कैसे लर्न किया जाएगा, लर्निंग टेक्निक. आप एक काम करेंगे, आई जे कैप के कैप, ध्यान रखिएगा जब आपकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज होगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्रॉस जे, उसे नेक्स्ट क्या आ रहा है, के आएगा, जे क्रॉस के आई कैप आएगा, के क्रॉस आई जे कैप आएगा. लेकिन अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो नेगेटिव आएगा. एंटी क्लॉकवाइज मींस अगर मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो माइनस के कैप, और अगर मैं के क्रॉस जे कर रहा हूं तो माइनस आई कैप.
एंड इफ आई एम राइटिंग आई क्रॉस के इट इज माइनस जे कैप. और जब सेम सेम का क्रॉस आएगा वो आप जान चुके हैं, वो सारा जीरो आएगा. टेक्निक समझ में आ गई भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो. यस सर. ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. अब मैं डेफिनेशन में एक बार दोबारा भी जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. आई एम गोइंग राइटिंग द डेफिनेशन अगेन. हमने यहां ए क्रॉस बी का डेफिनेशन लिखा. अगर इसी डेफिनेशन में मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो ध्यान से समझना, वो आएगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. अब ये एन कैप ये है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल माइनस एन कैप इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस एन कैप. तो यू कैन से दैट यहां से इस ऑब्जर्वेशन से मैं लास्ट में लिख रहा हूं. पहले इसका दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का एक बार, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको इसकी फिगर की. टेकन? हाँ जी, प्लीज टेल मी. यस सर. अब मैं यहां कुछ ऑब्जर्वेशंस में डाल रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नंबर वन. नंबर टू, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. यस सर. यस सर. ओके, नाउ नेक्स्ट हाउ टू इवैल्यूएट इट, जस्ट सी. अब कंपोनेंट वाइज कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अगर वेक्टर ए आपको ऐसे दे रखा है, ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप. सपोज मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, आराम से समझना. मैं पहले लेंथी मेथड से निकाल रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट से करेंगे. ये आया ए वन ए टू आई क्रॉस आई. मैंने सिर्फ पहले इस वाले कंपोनेंट को पकड़ा है, ए वन बी टू आई क्रॉस जे कैप, ए वन सी टू आई क्रॉस के कैप. अब बी वन को पकड़ लीजिए, प्लस बी वन ए टू जे क्रॉस आई कैप, बी वन बी टू जे क्रॉस जे, बी वन सी टू जे क्रॉस के कैप, प्लस अब इसको पकड़ लीजिए सी वन को, सी वन ए टू के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस सी वन बी टू के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस सी वन सी टू के क्रॉस. एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं, जो सेम वाले क्रॉस है ये तो सारे जीरो हो जाएंगे. प्लीज टेल मी. हाँ जी, दिस ऑल आर जीरो. अब लिखना स्टार्ट कीजिए. आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के कैप के. ए वन सी टू आई क्रॉस के किसके बराबर आएगा? माइनस जे. प्लीज टेल मी. यस सर. माइनस जे कैप. जे क्रॉस आई माइनस के. माइनस के कैप. जे क्रॉस के आई आई कैप. के क्रॉस आई जे. जे कैप. के क्रॉस जे माइनस आई. अगर मैं इन कंपोनेंट को देखो अलग अलग कर रहा हूं, आई वाले एक साथ कर रहा हूं,
मैंने आई वाला अलग किया तो बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, माइनस जे वाला अलग किया ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू, प्लस के कैप वाला मैंने अलग किया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये जो क्वांटिटी आई है ए क्रॉस बी जो मैंने निकाला है, इट इज नथिंग बट इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। निकाल के देख लीजिए, यही निकल के आएगा डिटर्मिनेंट। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी द शॉर्टकट वे इज टू इवेलुएट इट, यूज डिटर्मिनेंट। ये मैंने लेंथी से इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, आपको फील कराने के लिए मैंने थोड़ा लेंथी मेथड शुरू में बताया। क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी। और डिटर्मिनेंट कैसे कैसे खोलते थे? प्लस माइनस प्लस, याद है कोफैक्टर्स के साइन? हाँ जी। ओके चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है सबको ये बात क्लियर है भाई? रिप्लाई करो भाई। यस सर। ओके, अब एक और चीज समझ लीजिएगा, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। सपोज वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। अगर मुझे ये निकालना है तो आपने क्या देखा था कि ए क्रॉस बी आपने क्या निकाला था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। इज दैट ओके? या क्रॉस का मतलब क्या था? तो अब एक बात समझ लीजिएगा, यहां जो एन कैप आएगा वो बेसिकली हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो व्हाट यू विल डू, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए क्रॉस बी निकाल के आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और मैंने प्लस माइनस लिखा, ये दो आएंगे। क्यों आएंगे? हमने परपेंडिकुलर कहा है, एक तो एन कैप इस डायरेक्शन में आएगा आउटवर्ड और एक आएगा माइनस एन कैप। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। यस सर। ओके, नंबर टू, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योमेट्रिकली बहुत मैटर करती है सारी चीजें। ओके, नंबर टू, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देयरफॉर ए डॉट ए क्रॉस बी इज ऑलवेज जीरो एंड बी डॉट ए क्रॉस बी इज ऑल्सो जीरो। याद रहेगा? हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, आप एक एग्जांपल करा देते हैं कि आपको थोड़ी चीज तसल्ली हो जाएगी। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, और एक वेक्टर है बी, ऐसे। एक काम करिए, यहां से ए क्रॉस बी निकालिए। तो शॉर्टकट क्या बताया था मैंने भाई, आई कैप जे कैप के कैप, वन माइनस टू वन, टू वन माइनस वन, ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस के कैप। तो आपके पास ये निकल के आया आई कैप प्लस थ्री जे कैप। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। प्लस फाइव के कैप। इज दैट ओके? चलो अब आप ऑब्जर्वेशन आपके क्लियर कर देते हैं। चलिए,
ए का डॉट ए क्रॉस बी के साथ निकाल के देखना जरा कितना आएगा, 1 - 6 + 5। देखो जीरो आया या नहीं आया, ध्यान से देखिए, बी डॉट ए क्रॉस बी वो भी निकालो, देखो बी का डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 - 5, ये भी जीरो आया। तो जो हमने क्या कहा था कि भाई ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है, सिद्ध हो गई वाली बात, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है वाली बात, प्लीज टेल मी। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ भाई, रिप्लाई करो। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हमने आपको यह बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इनटू साइन थीटा, तो कैन वी फाइंड साइन थीटा फ्रॉम हियर। इज दैट ओके इफ थीटा इज 0 degree, that is vector A is parallel to vector B, then what is going to happen? This will imply magnitude of A cross B is 0. This will be 0 if and only if vector A cross B itself is a 0 vector. Because I am talking about here vector A and B are non-zero vectors. So you can say that the vectors are parallel. Kab? Jab unke cross product zero ho. Achha, cross product kya hota tha? Jara dhyan se samajhna. Please, aram se. Ek determinant hota tha. To determinant kab zero ho sakta hai? Jab uski koi row ya column identical aajai. Aap ye keh sakte hai, identical aane ka matlab ya multiple mein aajai. To agar ऐसा है ए बी के पैरल है तो अब हम क्या कहेंगे, यानी कि उनकी कोई ना कोई कॉलम मल्टीपल में आएगी, यानी वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कैप। अब यहां नोट करने वाली बात यह है, अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए व्हाट इज ए क्रॉस ए 0, नंबर 2 व्हाट इज ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस, स्केलर बाहर आ जाएगा वो भी जीरो आएगा। ये बात क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए। यस सर। यस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बात आपको क्लियर हुई बेटा? हाँ जी। यस सर। देखिए एक लास्ट आर्टिकल है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल by using cross product, area of triangle मान लो आपके पास ये कोई ट्रायंगल दे रखी है ABC, suppose this is adjacent sides दे रखी है उनकी और represent कर रही है वेक्टर A और B से, I am taking this angle as theta, I have drawn this perpendicular ABC, this AD is perpendicular, तो कायदे से area of triangle क्या आता भाई, अगर आप लिखते तो half base into altitude, base का आता BC vector का magnitude into क्या लिखते भाई जल्दी बताइए, altitude क्या आता AD। अब in triangle ए बी डी व्हाट इज ए डीज मैग्नीट्यूड अपॉन बी ए मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, प्लीज टेल मी। ये बात क्लियर है भाई, विच इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी
बी ए साइन थीटा विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. वट इज दैट? इट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई. हाँ जी. यस सर. यस सर. वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो अगर वेक्टर से तो उनका क्रॉस निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ से डिवाइड कर देंगे, एरिया आ जाएगा. अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो भाई अगर उसके एडजेसेंट साइड ये वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, तो हमें क्या करना होता? दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होता. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आता मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. याद रहेगा, हाफ हाफ दोनों ऐड हो जाएंगे एरिया. क्लियर है? रिप्लाई करो भाई. यस सर. यस सर. तो भाई ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का पैकेज था. आपको अच्छे से समझ में आया? सारा फंडा क्लियर हुआ? रिप्लाई करो भाई. यस सर. तो इसको भाई थोड़ा सा आज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सारी प्रॉब्लम सेक्शन ही लूंगा, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है सर? हम इस लीनियर सर्कल ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई. सारे चीज